हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, 2 दिन रह गए हमारे एग्जामिनेशन को, और सबसे ज्यादा जो अभी स्टूडेंट पूछ रहा है कि भैया किस तरह से हम लोगों को पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबी नहीं होगी, 5-7 मिनट की वीडियो होगी, बट मैं बहुत छोटी छोटी, मतलब जैसे कहते हैं ना, टिप्स आप लोगों को दूंगा जो आप लोगों ने याद रखनी, दिमाग में रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग योर नीट 2020 एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे पहली बात जो बच्चा पूछता है कि भैया किस तरह से, किस पैटर्न में हम लोगों को पेपर करना चाहिए। हमको पता है 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बच्चे सोचते हैं कि पहले फिजिक्स कर लें या केमिस्ट्री कर लें या बायोलॉजी कर लें, क्या पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम मतलब अपने एक ना, जैसे अभी 2-3 साल मेरे को यूट्यूब पे भी हो गए, काफी सारे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे अंडर एग्जामिनेशन दिए, तो काफी सारे स्टूडेंट्स से जो फीडबैक लिया गया, तो मैं एक आपको बेहतरीन, मतलब जिसे कह सकते हैं कि एक अच्छा पैटर्न आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे जिस हिसाब से आप भी अपना एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना। सबसे पहले तो आप लोगों ने करनी है बायोलॉजी, सबसे पहले आपने बायोलॉजी करनी है, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है कि आपको पता है, अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे क्वेश्चन समझ में आएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं होते, तो इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आता है तो सीधा आंसर आ जाए। और पेपर अटेम्प्ट करते समय सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, पता है क्या, कि जैसे जो पूरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूरा रीड करना, ठीक है। क्योंकि गलती हम लोग क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन रीड करते हैं, कोई मिलता जुलता वर्ड दिख जाता है और उसी से हमें रटा रटा ही चीज होती है कि हाँ ये ऑप्शन में ए बी सी फॉर एग्जांपल डी ये ऑप्शंस हैं, हमें पता है कि ये वर्ड हमने यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा है और हमेशा इसका आंसर ए वाला ही होता है, मिला जुला वर्ड देख के ए कर देते हैं। नहीं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, मिला जुला भी आए, आपको लगता है कि आपने कर भी रखा है, तब भी एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना और ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन अच्छे से रीड करना, इस बात का तुम लोग प्लीज ध्यान रखना, नहीं तो बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद जब बायोलॉजी अपना कर लो, 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर बायोलॉजी इजीली हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड इशू नहीं आएगा, 40 मिनट के अंदर लगभग लगभग बच्चा कर लेता है, ठीक है, बायोलॉजी अपनी कर लेना, ठीक है। क्योंकि टाइमिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसीजर इन बिटवीन द एग्जामिनेशन भी चलते हैं, कोई कैमरा लेके आ रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो बहुत सारे आप लोगों को चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए अपना टाइम बिल्कुल ऐसे बांध के रखना कि यार इतने टाइम पीरियड के बीच में मेरे को अपना चीजें पूरी कर लेने, ठीक है। 40 से 45 मिनट आप लोगों ने अपनी बायोलॉजी को देने, उसके बाद करनी है आप लोगों ने केमिस्ट्री, उसके बाद जाना है आप लोगों ने केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या करना है, देखो सीधी सी बात है, अपनी केमिस्ट्री आप लोग तीनों भाग में होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, सीधा सीधा आप लोगों ने क्वेश्चन करना है और इसको हार्डली देखो 1 आवर का टाइम लेके चलना, ठीक है, 1 घंटे का टाइम अपना केमिस्ट्री को देना और ऐसे ही फिजिक्स, फिर उसके बाद पैटर्न आता है फिजिक्स का, फिर अपनी फिजिक्स को करना, इसका भी 1 आवर का टाइम मतलब आप लोगों ने बांध के चलना है कि 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 40 से 45 मिनट, यानी 2 घंटे 40 या 45 मिनट में आप लोगों का पेपर हो जाना चाहिए। अब ऊपर नीचे तो थोड़ा चलेगा, इसीलिए मैंने कहा है कि अपना टाइम मार्जिन बांध के चलना, वहां पे क्लॉक होगी, जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे वहां पे घड़ी आप लोगों को दिखेगी, उस घड़ी के हिसाब से अपना टाइमिंग बांध लेना। और एक चीज ध्यान रखना, देखो फर्स्ट सेट ऑफ जब आप क्वेश्चंस करते हो तो क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा होता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार के लिए स्किप करके, अगर कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा ले रहा हो, ठीक है, एज सच कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन है 1 मिनट से लगे हो, ज्यादा ले रहा हो टाइम और पीछे आपके बहुत सारे बचे हो, एक बार इसको स्किप करके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाना। ये नहीं कि इसी में टाइम इन्वेस्ट करते जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ टफ क्वेश्चन बीच में आते हैं, ठीक है, और बच्चा उसी में लगा रहता है। 1 मिनट अपना टाइम बांध लेना कि 1 मिनट के अंदर आप लोगों का आ रहा है तो ठीक है, ज्यादा टाइम ले रहा है तो बाद में करेंगे। नेक्स्ट है, जब आप लोग 2 घंटे 40 मिनट के अंदर पेपर कर लोगे, उसके बाद आपके पास 20 मिनट बचेंगे, 3 घंटे का पेपर होता है, 20 मिनट तुम्हारे पास बच रहे हैं, उसके बाद जैसे ही पेपर कर लो, देखो OMR शीट, मैं तो यही कहूंगा कि हाथों हाथ भरते रहना, क्योंकि फिर जब तुम बाद में करते हो ना, लेबलिंग गलत हो जाती है, हाथों हाथ भरते रहना साथ के साथ में, ठीक है, देखा आंसर देखा, हाथों हाथ भरते रहो, या तो ऐसा कर लेना, या तो ऐसा करना कि पहले बायोलॉजी करी, बायोलॉजी का सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसके बाद बायोलॉजी की पूरी होमवर्क भर ली, इकट्ठे एक साथ करना, देख लेना। ये चीज आप पे छोड़ देता हूं मैं कि तुम लोगों को कैसा सही लगता है, बट मेरे हिसाब से हाथों हाथ साथ साथ करना ज्यादा बेटर रहता है, नहीं तो एक सेशन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपका बायोलॉजी हो जाए, उसके बाद तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, ये चीज अपनी ध्यान रखना, ओके। ये तो कुछ पॉइंट थे, पेपर इस तरह से अटेंड करना है, ठीक। उसके बाद जो भी ध्यान रखना, गलती मत करना OMR फिल करने के, चाहो तो भाई OMR डाउनलोड करके फिल कर लो, घर पे प्रैक्टिस कर लो, आज जितनी प्रैक्टिस करनी है सारी कर लो और एक फुल टेस्ट दे दो, उसी हिसाब से देख लो तुम्हारे हिसाब से क्या चीजें सही चल रही है, किस हिसाब से तुम्हें पैटर्न, बट ये पैटर्न ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग अगर इस पैटर्न से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के हिसाब से तुम लोग अटेंड करते हो। और OMR शीट भर के पूरा अच्छे से देख लेना किस तरह से सर्कल, और हाँ
ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बबलिंग करते हो, ये आपका सर्कल है ऐसे बबलिंग मत करना कि यार ये जैसे सर्कल है, मैंने कहा चलो बबलिंग करनी है, ठीक है, ये सर्कल के बाहर चीजें पहुंच रही, ऐसे ये भाई वहां जाके ड्राइंग और आर्ट मत दिखाने लग जाना, वहां पे हमारा आर्ट का पेपर नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तुम लोगों को सर्कल दे रखा होता है ना, ठीक है, तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये बबलिंग करनी है ना, तो ये लो सर्कल अच्छे से थोड़ा इसको लहजे से, ठीक है, गिव रिस्पेक्ट टू द बबलिंग, ठीक है, सर्कल करते समय ऐसे, ये नहीं कि आधा सर्कल यहाँ पहुंच रहा है आधा उधर में जा रहा है, ये दो के साथ साथ कर दे रहे, ये हरकतें मत करना। ओएमआर शीट जब रीड होगी आंसर नहीं चेक होगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो वहां पे अपने ड्राइंग का टैलेंट मत दिखाना, अच्छे से आराम से सर्कल करना, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो उतना ज्यादा दिक्कत होगी, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल मेहनत करके जितनी पूरी साल भर मेहनत करिए ये चीज पे भी दिमाग लगाना, ठीक है, आधे बच्चे यहीं पे पट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आके दिक्कत नहीं लेनी है, अपना आराम से कूल होके, बिल्कुल कूल माइंड होके वाटर वाटर लेके जाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहना, ठीक है, ताकि दिमाग बिल्कुल सर्कुलेशन सही चले, क्योंकि हार्ट बीट वर्ट बीट सब नॉर्मल रखना, ओके, और अच्छे से पेपर देके आना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, चाहो तो एक बार जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं एक मेरे लास्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है, तो जिसमें मैंने बोला था 3 days लेफ्ट, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको सुन के, मेरी बातें सुन के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, सुनिएगा जरूर, और इसी तरह से पूरा पेपर को अटेंड करना और अच्छे से पेपर आके मुझे बताना कि तुम लोगों का पेपर कैसा गया, भैया फोड़ के आ गए, और जो भी आपको फीडबैक मुझे जरूर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अविरल ब्लॉग्स, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो @13aviral। अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी मेडिकल सीट के लिए काउंसलिंग के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या करना है, वो सारी चीजों पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग स्विच करना चाहते हैं फील्ड से, फॉर एग्जांपल अलग फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं या ड्रॉप करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस चैनल पे लाके दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। मेडिकल काउंसलिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो वायरल वीडियो है वो भी मेरी यूट्यूब चैनल की है, क्योंकि मैं बहुत ही एनालिटिकल डाटा तुम लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपका एग्जामिनेशन हो जाए, उसके बाद काउंसलिंग करानी है, कैसे करानी है, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, कॉलेजेस कौन से बेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, साथ में इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बस अब 2 दिन हैं, फोड़ के आना, ठीक है, मेहनत करके आना, और खुशखबरी जरूर दे देना कि भैया पेपर अच्छा गया, ठीक है, या कैसा गया, बता जरूर देना, ओके, चलिए, ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।